नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता त्रिपाठी। रुक करते आज की खबरों की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीदवारों के आपराधिक रिकॉर्ड की पूरी जानकारी मतदाताओं तक पहुंचाए जाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि राजनीति का आपराधिकरण देश के लिए बेहद नुकसानदेह है और इस पर लगाम लगाने के लिए लोगों तक उम्मीदवारों का पूरा ब्यौरा पहुँचाना चाहिए। वहीं एनजीओ पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन और बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय ने कोर्ट से राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए कई सख्त उपायों की मांग करते हुए कहा कि किसी व्यक्ति पर 5 साल से ज्यादा की सजा वाली धारा में आरोप तय होते ही उसे चुनाव लड़ने से रोका जाए। उन्होंने इस तरह के लोगों को टिकट देने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की भी मांग की। इससे पहले चुनाव लड़ने पर रोक नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि कानून बनाना संसद का काम है और कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता। हालांकि चुनाव आयोग ने इस मांग का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बुलेट ट्रेन ड्रीम प्रोजेक्ट को बड़ा झटका लगा है। बताया जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट को फंडिंग करने वाली जापानी कंपनी जीका ने फंडिंग पर रोक लगा दी है और मोदी सरकार को इस प्रोजेक्ट पर आगे बढ़ने के बजाय देश के किसानों की समस्या पर गौर करने की नसीहत दी है। आपको बता दें कि करीब 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत वाली बुलेट ट्रेन को बनाने में फिलहाल गुजरात और महाराष्ट्र के किसानों से जमीन अधिग्रहण का मामला विवाद में पड़ रहा है। गौरतलब है कि इस प्रोजेक्ट को फंडिंग करने वाली जापानी एजेंसी ने अभी तक महज 125 करोड़ रुपए तक जारी किए हैं, जिसको 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। कानपुर के कई चौराहों पर विवादित होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जो लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। आपको बता दें कि इस होर्डिंग्स पर धपले की अखिलेश, घोटाले की माया, यूपी में बुआ बबुआ का नया कारनामा लिखा हुआ है। इन होर्डिंग्स के चलते लोकसभा चुनाव से पहले एसपी बीएसपी के बीच होने वाला महागठबंधन बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। बीजेपी ने होर्डिंग्स के माध्यम से एसपी बीएसपी गठबंधन पर पलटवार किया है। बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष अरुण वाजपेयी के मुताबिक उन्होंने ये होर्डिंग पूरे शहर में लगवाई है। उन्होंने कहा कि होर्डिंग लगवाने का उद्देश्य है कि भोली भाली जनता एसपी बीएसपी के गठबंधन की जमीनी हकीकत को समझ सके। एसपी बीएसपी ने अपने शासनकाल में सिर्फ घोटालेबाजी और घोटाला ही किया है। गरीब जनता का पैसा डकारने का काम किया है, गरीबों का हक मारने का काम किया है। अब जनता को यह सोचना चाहिए कि अगर दोनों पार्टियां एक होकर चुनाव लड़ेगी तो कितनी घपला करेगी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के शुभ भक्त बनने पर एक बड़ा बयान सामने आया है। यह बयान अयोध्या के हिंदू पक्षकार महंत धर्मदास और संतों ने दिया है। उन्होंने राहुल के मंदिर दर्शन पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनके परिवार ने अयोध्या की बुराई की है, जिसके लिए उनको अयोध्या आकर माफी मांगनी होगी। चाहे वो कितनी भी पूजा पाठ कर ले, लेकिन पूर्वजों ने जो पाप किए हैं उसका प्रायश्चित राहुल गांधी को अयोध्या में आकर ही करना होगा। अयोध्या में सब जनता में अपना क्षमा मांगे कि हमारे पूर्वजों ने जो गलती कर रहे हैं किए, इसके लिए हमको क्षमा दीजिए जनता। तो जनता समा के क्षमा करेगी या जनता व्यवस्था करेगी। इनको चाहे कितनों पूजा करें, कितनों पाठ करें, लेकिन आप पूजा करवावें, लेकिन जब तक अयोध्या में आकर के अपना पूर्वजों के पराचित नहीं करेंगे, नेहरू जी से लेकर के और राजीव गांधी तक जो काम किया गया, वो उसका परिणाम है कि आज अयोध्या और भारतवर्ष के हिंदू समाज झेल रहा है। ये जिस प्रकार से अन्य मंदिरों में जा रहे हैं और आशीर्वाद ले रहे हैं, उसी प्रकार से भगवान राम के दरबार अयोध्या में भी आवें और जो हमारे राम ताटपट्टी में बैठे हुए हैं रामलला, उनका दर्शन करें। रामलला के दर्शन से क्या लाभ होता है वो मैं बताता हूँ। भगवान स्वयं कहते हैं कि कोट विप्रबध लागन जाहू आए शरण तजौ नहीं ताहू। यदि करोड़ों ब्राह्मणों का या करोड़ों अन्य पाप किसी प्रकार से किए हों तो सब के सब भगवान के दर्शन से नष्ट हो जाते हैं। इनके जन्म जन्मांतर के पाप, इनके पूर्वजों के पाप जितने भी हैं प्राचीन, वो सब के सब नष्ट हो जाएंगे यदि भगवान रामलला का दर्शन करेंगे। राहुल गांधी जी हर जगह मंदिरों में जा रहे हैं, उनको अयोध्या भी आना चाहिए और अयोध्या में बहुत से मंदिर हैं। यहाँ भी राम सीता की मूर्तियाँ विराजमान हैं, हनुमान जी की मूर्तियाँ विराजमान हैं, यहाँ भी कर लें दर्शन, क्योंकि उनको पूर्वजों ने जो काम किया है उससे उनकी सरकार चली गई है। आज हमारे यहाँ देख लीजिए भाजपा गवर्नमेंट है,
और माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वो देश और विदेश जा रहे हैं, सबका साथ सबका विकास विकास हो रहा है। मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने छिंदवाड़ा में बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भोपाल में लगने वाला महाकुंभ नहीं बल्कि एक शासकीय कुंभ है जिसमें प्रदेश सरकार के 200 करोड़ रुपए बेकार खर्च किए जा रहे हैं। वहीं कमलनाथ ने शिवराज सिंह को घोषणा वीर कहकर महंगाई, बलात्कार, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर प्रदेश की स्थिति को अफ्रीका से भी बदतर बताया। पितृपक्ष का आरंभ कल से शुरू हो चुका है। इस साल 24 से 8 अक्टूबर तक श्राद्ध पक्ष रहेगा। हिंदू धर्म के अनुसार प्रत्येक शुभ कार्य के प्रारंभ में माता पिता पूर्वजों को नमस्कार प्रणाम करना हमारा कर्तव्य है। हमारे पूर्वजों की वंश परंपरा के कारण ही हम आज यह जीवन देख रहे हैं, इस जीवन का आनंद प्राप्त कर रहे हैं। इस धर्म में ऋषियों ने वर्ष में एक पक्ष को पितृपक्ष का नाम दिया गया है। पूर्णिमा से अमावस्या के ये 15 दिन पितरों को कहे जाते हैं। इन 15 दिनों में पितरों को याद किया जाता है और उनका तर्पण किया जाता है। श्राद्ध को पितृपक्ष और महालय के नाम से भी जाना जाता है। गाजियाबाद पुलिस के गिरफ्त में खड़े ये शातिर वाहन चोर है। बता दें कि ये चारों चोर एनसीआर सहित गाजियाबाद में वाहन चोरी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। पुलिस ने इन चारों चोरों को ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है और इनके कब्जे से चोरी की 10 बाइक, 2 स्कूटी और अवैध असलाह भी बरामद किया है। ये थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा चार अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है जिनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिल और 2 स्कूटी बरामद की गई हैं। सभी चोरी के हैं जिसमें से 4 थाना ट्रोनिका सिटी से ही चोरी की गई थी और 2 दिल्ली से सीलमपुर और सोनिया विहार से चोरी की गई थी। शेष के बारे में जानकारी की जा रही है कि ये और कहां कहां से चोरी की गई थी। इसमें एक अभियुक्त वाजिद जो है ये मुख्य है, जो चोरी में शामिल भी रहता है और सभी गाड़ियों को ये खरीदता भी है और आगे पास आता है। किस प्रकार से ये चोरी किया करते थे, कहाँ बेचा करते थे? ये जो पहले रैकी करते थे और जहाँ भी गाड़ी सुनसान जगह में या ऐसी जगह में है जहाँ से ये सेफली उठा सकते हैं वहाँ पे करते थे। इनका आपराधिक इतिहास क्या है? अभी तक इनका आपराधिक इतिहास पता नहीं चला है। वैसे आसपास के एनसीआर क्षेत्र के दिल्ली और आसपास के जिलों से भी जानकारी की जा रही है। ये कितने पढ़े लिखे हैं? ये बहुत ही कम पढ़े लिखे हैं और ये चोरी का एक मुख्य काम है। मुजफ्फरनगर में भगत सिंह रोड पर ज्वेलरी शॉप में चोरी करते हुए पुलिस ने करीब 500 ग्राम सोने के साथ 4 महिलाओं सहित एक युवक को गिरफ्तार किया है। ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी की यह घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी जिसके चलते पुलिस ने इस बुरखा गैंग को पकड़ा। पुलिस ने बताया कि ये पूरा परिवार एक गैंग बनाकर ज्वेलरी शॉप पर जाकर बड़ी सफाई से चोरी की घटना को अंजाम देता था और वहां से फरार हो जाता था। पुलिस ने सभी आरोपियों को जेल भेज दिया और वहीं 5 आरोपी अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। आज 25 तारीख है तो आज जैसे 25 तारीख है और 20 की शाम को कल 20 की शाम में बहुत बड़ा कार्य शुरू हो गया था। जैसे दूसरे डिस्ट्रिक्ट के तो जैसे पुलिस पता लगा है कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लोग हैं, मेरठ से भी कहीं गांव के लोग हैं, कोई गांव है और वहां से जिस तरीके से इन्होंने कोतवाल सामने और जो पूरी टीम है और इन्होंने जिस मेहनत के साथ ये कार्य किया है मुझे पूरा भरोसा है। हमारा जो बाकी सामान भी है ये पूरा ला के जैसे कोतवाल साहब भी जैसे कह भी रहे हैं और सभी टीम ने कहा है बाकी भी पूरा बरामदगी होगी। 20 तारीख में भगत सिंह रोड पे एक जैसे ज्वेलर्स दुकान है जहां ये सूचना प्राप्त हुई थी वहां से थाना कोतवाली को कि वहां से करीब 1.25 किलो जो स्वर्ण आभूषण है इनकी चोरी हो गई है। जब पुलिस द्वारा इसकी तहकीकात की गई तो कुछ चीज़ें इसमें सीसीटीवी कैमरे जो दुकान में लगे हुए थे उसमें कैद हुए। उसके बाद पुलिस द्वारा हमारी कोतवाली पुलिस और क्राइम ब्रांच द्वारा इसमें संयुक्त रूप से काफ़ी मेहनत करके मैनुअल तरीके से तथा इसकी टेक्निकल तरीके से जो हमारी तरकीबें हैं उन्हें इस्तेमाल करते हुए इस पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया गया है जिसमें 5 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए गए हैं और करीब 500 ग्राम सोने की बरामदगी अभी तक हुई है। अभी इसमें
गैंग के 5 लोग फरार हैं जिनकी गिरफ्तारी के लिए टीमें लगी हुई हैं। गाजियाबाद के साहिबाबाद में पुलिस ने 2 साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लुटेरों का चोरी में बहुत पुराना इतिहास रहा है, जो राह चलते लोगों से झपट मारी कर भाग जाते थे, जिसके चलते इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता था। फिलहाल पुलिस ने चोरी के 8 मोबाइल, 2 तमंचे और 1 मोटरसाइकिल बरामद की है और लुटेरे से पूछताछ कर अन्य मामलों की छानबीन में जुट गई है। थाना साहिबाबाद की पुलिस ने 2 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जो चैन मोबाइल स्नैचिंग की वारदातें करते हैं यहाँ पे, और इनके कब्जे से करीब 1 दर्जन मोबाइल फ़ोन और 1 चैन बरामद हुई है, जो पहले लूटी गई थी यहीं थाना साहिबाबाद क्षेत्र से। और ये काफ़ी शातिर किस्म के लुटेरे हैं, क्योंकि इनके ऊपर लगभग दोनों के ऊपर 1-1 दर्जन मुकदमे हैं। थाना साहिबाबाद क्षेत्र से ही ज़्यादा मुकदमे पंजीकृत हुए हैं और इनके कब्जे से 2 तमंचे और कुछ कारतूस वगैरह भी मिले हैं। गाजियाबाद के कवि नगर इलाके में एक बिजनेसमैन की बहू ससुराल के बाहर धरने पर बैठी हुई है। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ साल बाद ही उसके ससुराल वालों ने उसके घर से निकाल दिया। यही नहीं, ससुराल वालों ने उसकी बेटी को भी नहीं अपना रहे हैं। फिलहाल मामला कोर्ट में है। महिला ने ससुराल वालों पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी में घर वालों ने 5 करोड़ रुपए भी खर्च किए थे, लेकिन उसके बाद भी उससे दहेज की मांग की जा रही है। कुछ समाज से भी संगठन भी महिला की मदद के लिए आगे आए हैं, पर मामला कोर्ट में है और फिलहाल पीड़िता ससुराल के बाहर धरने पर बैठी हुई है। मेरी मांग है कि मुझे न्याय मिले, मेरी बेटी को न्याय दिया जाए। उन्होंने 1 साल पहले मेरे पति ने, मेरे सास ससुर ने और मेरे जेठ जेठानी ने मिलकर साजिश करके मुझे घर से निकाल दिया। मुझ पर एलिगेशन लगा दिए कि लड़की पागल है, ये है वो है, और मेरी बेटी भी मुझसे छीन ली जो करीब 8-9 साल की है। मैं बिना बच्चे के, बिना घर के, बिना किसी 1 रुपए के नज़र की खोपड़ी खा रही हूँ। मुझ पर केस कर दिए इन्होंने, उन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की 9 महीने पहले। उस पर हमला किया मेरी जेठानी ने, मेरे पति ने। इनके वारंट निकले हुए हैं, इसके बाद भी पुलिस इनको अरेस्ट नहीं। वारंट कहाँ से निकले हैं? कोई कोर्ट से निकले हैं? हाँ, ये मुजफ्फरनगर में न्यायालय से निकले हैं। 307 का केस है। इन्होंने मुझे जान से मारने की कोशिश की है, मैं बाल बाल बची हूँ। देश की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में शुमार फ्लिपकार्ट 10 अक्टूबर से अपने बिग बिलियन डे सेल की शुरू करेगा। ये सेल 14 अक्टूबर तक चलेगी। ग्राहकों को इस दौरान फैशन, होम अप्लायंसेस, फर्नीचर, किताबें, स्मार्टफोन डिवाइसेज, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज पर बम्पर छूट मिलेगी। कंपनी ने कहा कि फैशन, होम फर्नीचर, अप्लायंसेज, खिलौनों, किताबों, ब्यूटी पर 10 अक्टूबर से सेल की शुरुआत होगी। इसके बाद 11 अक्टूबर से मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसों पर सेल लगेगी और 12 से 14 अक्टूबर तक सभी तरह की स्टडी पर छूट दी जाएगी। फिलहाल हमारे बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें लाइव 24। नमस्कार।